हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो आज हम एक स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। बट ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बुलिश बटरफ्लाई और बेयरिश बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है, राइट? मैं किसी और वीडियो में बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कवर कर दूंगा, बट आज मैं बुलिश और बेयरिश बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कवर करने जा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन किए हुए थे, तो उसमें मैंने एक बुलिश बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इस स्ट्रैटेजी को भी मैं कवर करूं और पूरा एक्सप्लेन करूं कि ये स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बुलिश बटरफ्लाई और बेयरिश बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं और इसके एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर एक कम्प्लीट सीरीज, एक कम्प्लीट कोर्स बनाऊंगा। ये कोर्स 3 वीडियोस के पार्ट में आएगा, मतलब इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहेंगे। तो ये पूरा कोर्स 3 वीडियो की सीरीज में आएगा, राइट? और इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप बहुत ईजिली ये आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डे, अगले एक हफ्ते में, अगले एक महीने में मार्केट कहाँ जाने वाला है, किस रेंज से किस रेंज तक रह सकता है मार्केट। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, राइट? और ऑप्शन चेन एनालिसिस उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, ऑप्शन हेजिंग में काम करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं, एडजस्टमेंट करके काम करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में काम करते हैं, सो दैट कि उनको एक आइडिया मिल सके कि हमें अपना एडजस्टमेंट कब करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है। उसके लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस चैनल पे, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मेरे साथ इस चैनल पे सीख सकते हैं, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, हमें सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी हमें थर्सडे या फ्राइडे के दिन, किसी भी दिन बना सकते हैं, हम चाहें तो थर्सडे को डे एंड के टाइम पे बना सकते हैं या फ्राइडे को डे एंड के टाइम पे बना सकते हैं अराउंड 3 o'clock, राइट? और बुलिश बटरफ्लाई बनाते कैसे हैं ये मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा, राइट? तो अब हमें एडजस्टमेंट कब करना है, जैसे ही मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करने लगे तो हमें बस जो भी हमारा मैक्सिमम लॉस है उस मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करना है और उतने ही प्रीमियम का एक ऑप्शन सेल कर देना है, चाहे वो कॉल हो या पुट। मतलब अगर मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है तो हम कॉल सेल कर देंगे उतने ही प्रीमियम का, अगर मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है हमारी स्ट्रैटेजी डाउन साइड की, मतलब अगर हमारी स्ट्रैटेजी बेयरिश बटरफ्लाई है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जितना हमारा मैक्सिमम लॉस है उतने ही लॉस का एक एक्स्ट्रा पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। बस यही एक सिंपल सा एडजस्टमेंट है, आपको पूरे हफ्ते में बस एक एडजस्टमेंट करना है, वो भी ये एडजस्टमेंट तब करना है जब मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव करे, राइट? और हमें स्ट्रैटेजी क्लोज कब करनी है, जब भी हमें मैक्सिमम 2000 rupees पर लॉट का लॉस दिखने लगे तो हम उस समय स्ट्रैटेजी क्लोज कर देंगे। बट ये लॉस दिखना बहुत रेयर है, मैं क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को मैं बहुत यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और 2000 का लॉस दिखना बहुत रेयर है इस स्ट्रैटेजी में। और तो जब भी आपको 2000 rupees का मैक्सिमम लॉस दिखे आप स्ट्रैटेजी को क्लोज कर सकते हैं, राइट? और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी भी बहुत हाई है, मतलब कि आप या तो प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं पूरे वीक में तो आप बहुत हार्डली कुछ 100-200 rupees ही लूज़ करेंगे पर लॉट में, राइट? तो इससे ज़्यादा का इस स्ट्रैटेजी में रिस्क नहीं है, या तो आप प्रॉफिट करेंगे 1500-2000 के आसपास का प्रॉफिट करेंगे, या तो फिर आप ऑलमोस्ट 0 loss पे मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, राइट? सो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, तो हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए, ये बैक टेस्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी की जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो 13 अप्रैल को हम लोग बनाएंगे, राइट? अब ये यही डेट मैंने क्यों चूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 अप्रैल को एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला था, राइट? तो ये सबसे टफ सिचुएशन है जब मैं इस ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं इस बैक टेस्ट में सबसे टफ सिचुएशन को ही लेना चाहता था, सो दैट कि आपको मैं इजीली समझा सकूँ कि आपको इस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी उस दिन ऑलमोस्ट 17,400 पे थी, 480 के आसपास थी, और गैप डाउन खुला
17,190 के आसपास, राइट। सो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का निफ्टी में गैप डाउन खुला था। सो ये सबसे टफ सिचुएशन है जब मैं आपको इसका एडजस्टमेंट दिखा सकता हूँ, राइट। सो इस कंडीशन में हम लोग बुलिश बटरफ्लाई भी बनाएंगे और बेयरिश बटरफ्लाई भी बनाएंगे। तो हम लोग एक बार बुलिश बटरफ्लाई बना के देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है, फिर उसके बाद इसी केस में हम लोग बेयरिश बटरफ्लाई भी बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है, राइट। सो इसी सेम वीक में हम लोग दोनों बटरफ्लाई का बैक टेस्ट करेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑप्शन खोला हुआ है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमें बुलिश बटरफ्लाई या बेयरिश बटरफ्लाई बनाना कैसे होता है, तो चलिए वो पहले सीख लेते हैं। मैंने गेट ऑप्शन चेंज किया, इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एट द मनी पे हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। तो हम देखते हैं हमारा एट द मनी 17,500 है, तो हम 17,500 को नहीं, हम उससे 100 पॉइंट्स ऊपर कि एक स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। अगर आप ये निफ्टी में कर रहे हैं तो 100, और अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 200 पॉइंट, राइट। तो मैं 100 पॉइंट ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, ये मैं बुलिश बटरफ्लाई बना रहा हूं। अभी मैं आपको बेयरिश बटरफ्लाई भी बनाना सिखाऊंगा, राइट। तो अभी हमने क्या किया, जो हमारा एट द मनी था उससे हमने 100 पॉइंट ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब इससे 200 पॉइंट ऊपर का हम दो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। सो अगर हमने 17,600 को बाय किया हुआ है तो 200 पॉइंट्स में 17,800, इसके दो कॉल ऑप्शन हम सेल कर देंगे। और फिर से हम 100 पॉइंट जस्ट 100 पॉइंट ऊपर फिर से एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, मतलब हम 17,900 को बाय करेंगे। अगर आप ये निफ्टी में कर रहे हैं तो 100 पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 200 पॉइंट, सिंपल, राइट। तो अब ये पे ऑफ ग्राफ देखिए, अब कुछ इस तरह का हमारा पे ऑफ ग्राफ बना है। डाउन साइड पर हमारा रिस्क कितना है, 2,200 समथिंग का, एंड कॉल साइड में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 2,800 का। बट हमारा अगर मैक्सिमम प्रॉफिट हम वैसे देखें तो हमारा 7,700 समथिंग है, बट ऑफकोर्स ये प्रॉफिट हमें तभी मिलेगा जब मार्केट 17,800 के आसपास एक्सपायर होगी, अदरवाइज हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो 2,800 के आसपास होगा, राइट। तो अब मैं इसको हाफ एन आवर के साथ आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि 18 अप्रैल को हमारा बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। तो हम देख लेते हैं 18 अप्रैल को हमारा क्या लॉस होता है। आप यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल को मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और इस समय हमें 1500 समथिंग का लॉस चल रहा है। तो हमें इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है ये भी देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि हमें तो जो भी हमारा मैक्सिमम लॉस है तो हम ऐसा कॉल ऑप्शन सेल करेंगे जो हमारा इस मैक्सिमम लॉस को कवर कर ले, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा अगर 2,000 रुपीज़ समथिंग का लॉस है तो हम एक ऐसा कॉल ऑप्शन सेल करेंगे जिसकी प्रीमियम वैल्यू 40 के आसपास होगी, तो हमारा 2,000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,500 पे हमें 38 का प्रीमियम मिल रहा है, तो अगर हम इसको सेल कर देते हैं वन लॉट, तो आप यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम लॉस पूरा कवर हो गया है। अभी आपको 1,500 रुपीज़ का लॉस चल रहा है और इस लॉस को हम मैक्सिमम 2,000 तक ही रखेंगे, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा हमारा लॉस हम पूरे ट्रेड को क्लोज कर देंगे, राइट। तो अब हम इसको हाफ एन आवर के साथ आगे बढ़ा लेते हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी तो हमें फिर भी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसी सेम सिनेरियो को मैं बेयरिश में भी बना के दिखाऊंगा और उस समय हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ऑलमोस्ट अभी तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप देखें तो हमारा कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस डाउन साइड में नहीं बचा है। सो हम इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अब हमें इस ट्रेड में कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ हम अपना स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकते हैं, या तो हमारा पूरा लॉस कवर हो जाए या तो फिर हमारा मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ का लॉस हो जाए, बस इतना ही हमें करना है। तो मैं इसको अभी वन डे के साथ आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब इस ट्रेड में हमारे लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि हमारा पूरा एनालिसिस गलत हो गया। अगर हमारा ट्रेड पूरा गलत हो जाता है तो मैक्सिमम लॉस हम कितना करेंगे, 200-300 रुपीज़ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा एनालिसिस गलत हो गया। मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब मार्केट बुलिश है, बट मार्केट बेरिश हो गई और मेरा पूरा एनालिसिस गलत हो गया, तो उस केस में मुझे कितना लॉस हुआ, 200 समथिंग का, राइट। अब अगर मेरा व्यू सही हो जाता तो मैं क्या करता, राइट। तो अब हम ये भी देख लेते हैं, अभी हमने बुलिश ट्रेड बनाया, बुलिश बटरफ्लाई बनाया जिसमें हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, 200 समथिंग का लॉस हुआ, राइट। अब हम बेयरिश बटरफ्लाई बना लेते हैं, तो बेयरिश बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। ये भी सेम वे में हम बेयरिश बटरफ्लाई भी बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले अपना एट द मनी का कॉल इनपुट ऑप्शन चेक करेंगे। तो हमारा एट द मनी इस समय 17,550 के आसपास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। तो हम इससे जस्ट 100 पॉइंट दूर का एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, राइट। तो हमने ये एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया 17,400 को।
अब इससे 200 पॉइंट दूर हम एक पुट ऑप्शन, दो पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए, हमने दो पुट ऑप्शन सेल कर दिया। अब इससे जस्ट 100 पॉइंट दूर हम एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो हमने ये एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया है। हमारा मैक्सिमम लॉस 1700 और 1800 समथिंग का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 8000 समथिंग का है। अदरवाइज हमें 3000 रुपीज़ तो एटलीस्ट मिलेगा ही अगर मार्केट नीचे की तरफ गई तो, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से हाफ एन आवर के साथ आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डे में सीधा चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमें इस समय 1800 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो अब हम अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए और अपने प्रॉफिट को मेक श्योर करने के लिए कि इस वीक में हमें प्रॉफिट हो ही, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट 17200 के आसपास आएगा, वैसे ही हम अपने ये जो हमारा पुट लेग है 17400 का पी है, इसको जस्ट हम 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। मतलब 17300 का इसको हम क्लोज कर देंगे, 17400 को हम क्लोज कर देंगे और 17300 का जस्ट 100 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और वो करने से क्या होगा, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट पहले 17200 के आसपास जब आ जाए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 17200 के आसपास आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको बुक कर लूँगा 283 पे मैंने इसको बुक किया। अब मैं 17300 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे 17300 मिल रहा है, तो मैं इसको बाय कर लूँगा। अब आप सोचेंगे कि ये करने का रीज़न क्या है, तो मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये करने का रीज़न क्या है। अब आप देखिए, हम लॉसलेस बन गए हैं दोनों तरफ, चाहे मार्केट अब कहीं पे भी जाए तो हमें एटलीस्ट 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, राइट। आप यहाँ पे देखिए, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ इसके बाद जाए, चाहे मार्केट नीचे की तरफ इसके बाद जाए, हमें एटलीस्ट 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। वैसे तो मैं अगर आपसे बताऊं तो यहाँ पे हमें 2000 रुपीज़ समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है, मैं ये प्रॉफिट भी लेके निकल जाऊँगा। मैं वेट नहीं करूँगा कि मार्केट अब कहीं इस तरफ जाए या इस तरफ मूव करे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 1700 का होने वाला है। आप यहाँ पे इस मैक्सिमम प्रॉफिट को मत देखिए, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रॉफिट होगा वो 1700 के आसपास ही होगा, और इस समय लगभग मुझे 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ये प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। बट फिर भी मैं इसको आपको एक्सपायरी डे के तक दिखा देता हूँ। तो अभी हम सीधा एक्सपायरी डे के दिन ही चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने एक्सपायरी डे पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 अप्रैल की हमारी एक्सपायरी है, और हम एक्सपायरी में अभी ये 10:30 हो रहे हैं। तो अब इस समय जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम लेके निकल सकते हैं, राइट। सो ये एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको 100-200 रुपए का लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी ऐसे बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट ही होगा। बट हाँ, आपके प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी कितनी है, 50%। या तो आप 50% लूज करेंगे या तो आप 50% कमाएंगे। जब भी आप 50% कमाएंगे तो आप कितना कमाएंगे, आप 2000-2500 कमाएंगे। जब भी आप लूज करेंगे तो आप कितना लूज करेंगे, 200-250 लूज करेंगे। सो इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो भले इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 50% है, बट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और इस स्ट्रैटेजी में आपको कोई बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं करना है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है हार्डली। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको बस एक एक्स्ट्रा कॉल या पुट सेल करना है, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है तो सिर्फ आपको अपने बाय लेग को 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। बैंक निफ्टी में आपको 200 करना है, निफ्टी में आपको 100 करना है, राइट। आई होप कि स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर उसे आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि चैनल के थ्रू मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इजी बना सकता हूँ, प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।